अनोखी शादी इस मायने में कि जयमाला के बाद दूल्हा तो फरार ही हो गया, बावजूद इसके शादी हुई, लेकिन कैसे ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। देखने में भले आम शादी की तस्वीर लगे, लेकिन इस शादी की खास कहानी है। खास इस मायने में कि दुल्हन की शादी जिससे तय हुई, वो दुल्हा जयमाला के बाद तो फरार हो गया। इसके बाद तो सदर थाना के सुखासन गांव में हड़कंप मच गया। बरातियों को बंधक बना लिया गया, थोड़ी मारपीट हुई, गांव समाज के प्रतिष्ठित लोग मौके पर पहुंचे, बीच बचाव का रास्ता तलाशा गया। आपसी सहमति से और सबके सहयोग से हुआ है, जो एक बड़ी मैंने अशुभ है लग रहा था, शादी होते होते रुक गई थी और स्थानीय लोगों और लड़के पक्ष वाले ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। रात में शादी था, मेरे भतीजे ने भाग गया, इसी कारण से मैं अपने पुत्र से शादी कर रहा। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई। पुलिस भी शादी के बीच हुए फसाद को सुलझाने पहुंची और फिर तय हुआ कि जो दुल्हा फरार हुआ उसके कजन यानी चचेरे भाई से दुल्हन की शादी हुई। इस फैसले पर सबकी सहमति बन गई और फिर दिन के उजाले में पीपल के पेड़ के नीचे पूरे गांव समाज के सामने शानदार शादी हुई। मामला यही है कि पहले वाला जो लड़का था वो मरवा मंडप पर से रात में भाग गया, ठीक मरमाला अथी में होने के बाद। उसके बाद जो है उनका खास सचेरा भाई, हम लोग माननीय थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह के अथी से सहयोग से हम लोग लाए और ये शादी जो है यहाँ पर करवाए। जश्न के साथ शादी की सारी रस्मों को पूरा किया गया, वर वधु को आशीर्वाद दिया गया और फिर खुशी खुशी विदाई हुई। इस मायने में ही ये शादी खास है। मधेपुरा से शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।